हेलो यार, आज के एक और नई वीडियो पे लेकर के वापस नहीं आ रहा। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं उसको तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया गाइस, ओके। एंड ये वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो भी काइन मास्टर के अंदर में गाइस। काइन मास्टर कितना ईजी होता है आप लोग को पता ही होगा। और हाँ, अगर आप लोग के पास काइन मास्टर नहीं है तो इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करना, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूँगा गाइस, ओके। एंड गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको गाइस कुछ पॉइंट को गाइस ध्यान में रखना होगा, नहीं तो फिर आपका वीडियो नहीं बनेगा गाइस, ओके। सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करें यहाँ पर गाइस, तो आपको वीडियो को गाइस ट्राइपॉड में रख के शूट करना है, यहाँ पर कहीं पर भी रख के शूट करना है, ओके। क्योंकि वहाँ पर आपको एक खाली फ्रेम लेना होगा, देन उसको गाइस अपने वीडियो में लगाना होगा, नहीं तो फिर अगर आप हिला डुला करके वीडियो शूट करोगे तो फिर वो खाली फ्रेम वाला फोटो गाइस आपके वीडियो में नहीं लगेगा, ओके। वीडियो शूट करते वक्त गाइस कुछ पेपर प्लेन को इस तरीके से फेंकना, ओके। फेंकने के बाद गाइस वो आपके अंदर में ना घुसे, ये बात का आप लोग ध्यान रखना गाइस, ओके। वो बाहर की तरफ निकले तो फिर परफेक्ट होगा, अगर आपके अंदर में घुसा ये तो फिर गाइस पूरा का पूरा वीडियो जो है वो खराब हो जाएगा, ओके। क्योंकि गाइस काइन मास्टर में रोटो नहीं होता है, एंड आप रोटो करके उसको हटा भी नहीं सकते हो, सो इसका ध्यान रखना है। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि गाइस आपको थोड़ा सा दूर होकर वीडियो शूट करना है, आपका हाइट गाइस वो कम हो, मतलब आसमान में आपका जो सर वो ना जाए, ताकि प्लेन आपके सर के ऊपर से, मतलब सबके सर के अंदर से गाइस ना जाए, वो बिल्कुल ऊपर से ऐसा करके चला जाए, ओके। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दूर होके थोड़ा सा हाइट्स में आपको वीडियो को शूट करना है। ये तीन पॉइंट गाइस आपको ध्यान में रखना है, गाइस आपका वीडियो जो काफ़ी ईजिली बन जाएगा। सो इस तरीके से गाइस काफ़ी ईजिली आप लोग अपना वीडियो को शूट कर लेना, ओके। शूट करने के बाद आपको एक फाइल को डाउनलोड करना गाइस, जो कि मेरा वाला प्रोजेक्ट होगा, ओके। काइन मास्टर का प्रोजेक्ट का लिंक मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ गाइस, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करिएगा, इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना, ओके। एंड चलते हैं काइन मास्टर में गाइस, एंड किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को ओपन करना उसके बारे में जानते हैं, आगे क्या क्या स्टेप्स होगा गाइस वो सीधे काइन मास्टर में देखेंगे, ओके। तो चलते हैं सीधे काइन मास्टर ऐप पर। सो हेलो, अगर आ चुके हम लोग काइन मास्टर के अंदर में, ओके। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको वो प्रोजेक्ट को ओपन कैसे करना है। सबसे पहले गाइस आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा, ओके। एंड यहाँ पर गाइस राइट कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा इंपोर्ट का बटन, सिंपली इसमें आपको क्लिक करना है। एंड जब डाउनलोड किया गाइस एरोप्लेन प्रोजेक्ट को, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये वाला, इसी को मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से ना इंपोर्टिंग प्रोसेस लेगा। एंड डन करके आपको ऑटोमेटिक गाइस काइन मास्टर के अंदर में ये ओपन हो जाएगा, देख सकते हो गया ओपन, ओके। सो भाई लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई ज़्यादा झमेला गाइस इसको बनाने में आपको नहीं करना है, कोई झमेला नहीं है, बस तीन चार फाइल्स हैं इसके अंदर में गाइस, ओके। ये मेरा वीडियो एंड ये एरोप्लेन वाला वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एरोप्लेन वाला वीडियो देख सकते हो, ऐसे क्रोमा की हटा करके दिखाता हूँ आपको, ये कुछ क्या मैं क्रोमा की हटाया, देख सकते हो ये प्लेन वाला वीडियो है। सिंपली यहाँ पर मैंने सारा कुछ आपको करके दिया गाइस, ओके। एंड ये जो है गाइस ये है बैकग्राउंड, खाली फ्रेम वाला बैकग्राउंड, जो कि एरोप्लेन के लास्ट में गायब करना होता ना पेपर प्लेन को, वही वाला गायब करने के लिए, ओके। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, अपना ऐड करना होगा अपना वीडियो को, ओके। एंड इस पर क्लिक करना गाइस मेरे मेन वीडियो के अंदर, यहाँ पर रिप्लेस वाला बटन में जाके गाइस सिंपली आप अपना वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना, जो भी एडजस्टमेंट हो कट कुट हो आप ईजीली इसमें कर सकते हो गाइस, ओके। एंड सिंपल तरीके से हो गाइस, इसलिए मैंने ये वाला प्रोजेक्ट आपको डायरेक्ट दे दिया, ओके। एंड आपके वीडियो में से गाइस आपको एक खाली फ्रेम को निकाल लेना है, जैसे मैंने ये निकाला हुआ है, ओके, खाली फ्रेम। एंड ये कहाँ से ऐड हुआ गाइस देख सकते हो आप लोग, इसमें गाइस सारा कुछ मैंने दे दिया, पूरा प्रोजेक्ट को आपको दे दिया गाइस, आप पूरा देख सकते हो इसमें, ओके। ये जो पेपर प्लेन है ना गाइस, जैसे मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ, एंड ये इस बैकग्राउंड के नीचे आके गायब हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ से ये पेपर प्लेन उड़ के आएगा डायरेक्ट इस तरीके से, एंड आपके सर के ऊपर से चला जाएगा इस तरीके से। म्यूज़िक जो गाइस इसके अंदर मैंने दे दिया प्लेन वाले वीडियो के अंदर में, ओके। बाकी आपको सारा म्यूज़िक को बंद रखना है, एंड इस तरीके से गाइस ये प्रोजेक्ट को यूज़ करके गाइस आप अपना वीडियो को एडिट कर सकते हो, काफ़ी ईजी है गाइस, शॉर्ट में है, सिर्फ इसको ऐड करना है एंड बाकी रिप्लेस वगैरह करके ईजिली कर सकते हो गाइस, ओके। काट कूट करके इस पेपर प्लेन को गाइस यहाँ से मैंने इसको टैप कर दिया है, ओके। एंड यहाँ से गाइस आप इसको सेव भी कर लेना, ओके। तो होप करता हूँ कि सबको वीडियो अच्छा लगा गाइस, अच्छा लगा होता है वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी इजी तरीके से गाइस मैंने आपको बताया, ओके। पूरा प्रोजेक्ट का लिंक दिया गया, ओके। अच्छा लगता है गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।